हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ वाई इज सम फंक्शन ऑफ एक्स देन वेयर एवर वाई है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू वाई एक्स ग्राफ दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज जीरो। यानी यदि y x का कोई फंक्शन है तो जहां कहीं भी यानी जिस भी x पर y की वैल्यू मैक्सिमम अथवा मिनिमम होगी वहां पर y x ग्राफ पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा, या यूं कहें कि उस x पर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x यानी dy by dx क्या होगा, जीरो। आपको यह भी बताया गया था कि कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू, यानी यदि टेंजेंट का स्लोप किसी x पर जीरो है, y x ग्राफ पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप किसी x पर जीरो है, यानी किसी x पर dy by dx जीरो है, तो जरूरी नहीं कि वहां पे y मैक्सिमम अथवा मिनिमम वैल्यू धारण करे, अटेन करे, ठीक है। अब आज हम लोगों को ये जानना है कि ये तो हमको पता है कि y जहां कहीं भी मैक्सिमम मिनिमम होगा जिस भी एक्स पर वहां dy by dx क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन dy by dx यदि x की एक से ज्यादा वैल्यूज पर जीरो है तो हमें यह जानना है अब कि किन x पर y की वैल्यू मैक्सिमम होगी और किन x पर y की वैल्यू मिनिमम होगी, या यदि सिर्फ एक ही x पर dy by dx जीरो है तो उस x पर y मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा या मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि हाउ टू डिसाइड दैट एट विच एक्स वाई हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड एट विच एक्स वाई हैज इट्स मिनिमम वैल्यू इफ एट सम एक्स वाई हैज इट्स मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, देन हाउ टू नो that whether the value of y at that x will be maximum or minimum। तो मान लीजिए कि ये y x ग्राफ है और कुछ u मैंने बना दिया, तो आप समझ गए कि बात हो रही है इस x1 पर, यानी x की वैल्यू x1 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट की, जहां की dy by dx क्या है, जीरो है जी। यानी एट x इज इक्वल टू x1 y हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑल्सो एट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये तो हमको समझ में आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है। लेकिन जरा एक चीज गौर करिए कि इस एक्स वन से जस्ट पहले मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, बात को ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कंक्लूजन रटना नहीं पड़ेगा और जीवन में कभी नहीं भूलेगा। अगर आपको अभी समझाई गई मेरी बात अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा जो इसका कंक्लूजन जिन्हें नहीं समझ में आता उनको रटना पड़ता है, लेकिन आप उनमें से नहीं रहेंगे अगर आप अभी ध्यान देंगे। मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, अगर आप गौर करें तो मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं यहां, एक तो x1 पे है, उसके अलावा दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। एक x1 से जस्ट पहले यानी x की इस वैल्यू पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, और एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है x1 के जस्ट बाद वाली वैल्यू पे, यानी इस x पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया है बाद में। अब जरा देखिए, ये बताइए इस टेंजेंट का स्लोप
स्लोप किसको कहते हैं भाई? dy by dx is slope of straight line. Slope of this tangent यानी dy by dx इस स्ट्रेट लाइन के करेस्पॉन्डिंग क्या हुआ, यानी इस x पर dy by dx क्या है, तो इसका स्लोप क्या है? tan of आगे वाला एंगल, ये आगे वाला एंगल एक्यूट है, तो ये क्या हो रहा है? पॉजिटिव. और ये जो टेंजेंट है जो कि x1, ये है x1, ध्यान दीजिएगा ये बीच वाली वैल्यू x1 है. इस x1 के बाद में जो वैल्यू है वहां पे जो टेंजेंट खींचा गया है x1 के बाद वाली वैल्यू पे, x की वो वैल्यू जो x1 के बाद है, जस्ट बाद में, उस वैल्यू पे टेंजेंट का स्लोप क्या है? dy by dx. ये क्या है बताइए? तो tan ऑफ आगे वाला एंगल, यही आगे वाला एंगल है, और ये क्या ऑब्ट्यूज है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? निगेटिव हो जाएगा. अब जरा बताइए कि x इक्वल टू x1 के करीब देखिएगा, इर्द गिर्द, तो नियर x इज इक्वल टू x1, यू सी जो अब मैं जो लिखने जा रहा हूं उस पर जरा गौर करिएगा. d ऑफ dy by dx अपॉन dx, ये क्या चीज है, ये क्या लिखा है मैंने, ध्यान से समझिएगा. d किसको कहते हैं भाई? हम डेल्टा x लिखते हैं, मतलब चेंज इन x या टोटल चेंज इन x, और यही जब टेंड्स टू जीरो हो जाता है तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? dx, यानी स्मॉल इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन x को हम क्या लिखते हैं? dx लिखते हैं. तो बहादुरों, ये d ऑफ यानी d dy by dx, व्हाट इज दिस? गौर करिएगा, ये क्या है? ये है स्मॉल चेंज इन dy by dx, दैट इज अर्थात स्मॉल चेंज इन स्लोप ऑफ टेंजेंट टू yx ग्राफ. और कहां पे? तो नियर x इक्वल टू x1, x इक्वल टू x1 के इर्द गिर्द, और dx को आप जान ही रहे, स्मॉल चेंज इन x. तो ये पूरा क्या हुआ? ये पूरा हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू yx ग्राफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू yx ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू x, या यू कहें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx विथ रिस्पेक्ट टू x. भाद्रो, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अरे भाई ये रहता है तो आप क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये है स्मॉल चेंज इन dy by dx विथ रिस्पेक्ट टू x. रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी स्मॉल चेंज इन dy by dx अपॉन स्मॉल चेंज इन x, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx विथ रिस्पेक्ट टू x. अब x बराबर x1 के इर्द गिर्द देखिए कि ये वैल्यू कितनी है. तो ये वैल्यू जो है वो जरा देखिए कि कितनी है. तो आप बताइए कि x1 के अब कोई भी जो स्मॉल चेंज इन dy by dx है तो वो फाइनल dy by dx माइनस इनिशियल dy by dx करेंगे. तो फाइनल dy by dx बोले तो ये वाला फाइनल है, x बराबर x1 के बाद वाली जो वैल्यू x की वो फाइनल है, और x बराबर x1 के पहले वाली जो वैल्यू वो क्या है? इनिशियल है. तो यहां फाइनल वैल्यू पे जरा बताइए dy by dx क्या है? तो निगेटिव है. क्या है? निगेटिव है बहादुरों, निगेटिव है. यानी हम ये जानना चाहते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है. तो ये वैल्यू क्या है? निगेटिव है. और उसके इनिशियल dy by dx क्या था? तो वो था, वो x1 के पहले आ जाइए, वो क्या था? तो वो पॉजिटिव था. तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, गौर करिएगा, ये फाइनल dy by dx, ये इनिशियल dy by dx, और नीचे आइए
तो जब आप इसको फाइनल और इसको इनिशियल कह रहे हैं, इसका मतलब स्मॉल चेंज इन x क्या हुआ, दिस x माइनस दिस x, दिस x माइनस दिस x, तो वो क्या हुआ पॉजिटिव होगा, क्योंकि इधर वाला x क्या है ज्यादा, इधर वाला x कम, तो वो क्या होगा बाद में पॉजिटिव होगा। तो अब बताइए नेगेटिव माइनस पॉजिटिव ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, ये क्या आ गया नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हुआ नेगेटिव। बहादुरों इसका मतलब x is equal to x1 के आसपास नियर, या इसको हम लगभग में बोल सकते हैं यानी by and large, है ना, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि या at x is equal to x1, at x is equal to x1 हमारा जो ये वैल्यू है यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx with respect to x है, वो क्या है वो हमारा नेगेटिव है, वो हमारा नेगेटिव है। तो अब देखिएगा इसका मतलब हुआ कि दस हियर वी सी दैट एट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स is equal to, ये क्या होगा नेगेटिव होगा। और बहादुरों अब आपको बताया जाएगा कि ये जो है d of dy by dx upon dx इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं dy dx of dy by dx, याद करिए आप ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे, कब देखिए dy by dx को आप और कैसे लिखते हैं, तो आप ऐसे लिखते हैं dy dx of क्या y, ठीक वही काम यहां कर रहे हैं। अब इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है इसको ऐसे भी लिखा जाता है d, देखिए दो बार d आया है तो इसको क्या कहेंगे d2y upon, और ये dx और dx, तो dx देखिए dx ये एक वेरिएबल है, dx ये क्या है स्मॉल चेंज इन x, ये एक साथ रहेगा, ऐसा नहीं कि d अलग है आप ये d और d थोड़ी ना काट देंगे, dx को एक साथ जैसे डेल्टा y अपन डेल्टा x को थोड़ी आप डेल्टा डेल्टा काट देंगे, डेल्टा y तो स्मॉल चेंज इन y हुआ एक साथ है स्मॉल चेंज इन x हुआ, तो उसी तरह dx जो है वो स्मॉल चेंज इन x है, तो स्मॉल चेंज इन x क्या हुआ स्मॉल चेंज इन x का स्क्वायर, तो ये dx का स्क्वायर है, ये dx स्क्वायर जो आप लिख रहे हैं दैट मींस dx का क्या होल स्क्वायर, बट वी डू नॉट राइट इट लाइक d स्क्वायर एंड x स्क्वायर, दैट इज सेम एज अगर मान लीजिए मैं कहूं sin थीटा का होल स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिखेंगे, क्या आप इसको ऐसे लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, नहीं लिखते हैं ना, अब इसको कैसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक उसी तरह से dx का जो स्क्वायर है दैट मींस dx का होल स्क्वायर, dx dx दो बार है और ये d और d, तो इसको कहेंगे d2y, क्या पढ़ेंगे इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे d2y by dx स्क्वायर, इसको प्रोनाउंस ऐसे करना है आपको d2y y d x square, ठीक है ये, और ये जो हमने लिखा ये क्या चीज है देखिए, तो ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखना ध्यान से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू, ये जो मैंने इन्वर्टेड फॉर्म में कर दिया यह किसके लिए dy by dx के लिए, तो ये dy by dx का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है किसके रेस्पेक्ट में, फिर से लिखना पड़ेगा बहादुरों कि विथ रिस्पेक्ट टू x,
और अब मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, तो पूरा एक टर्म बना कि विथ रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट। देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये पूरा क्या बन रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, बोले तो dy by dx, आप इस पूरे जो इन्वर्टेड कॉम है इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते थे, देखना जरा ध्यान से, तो इस पूरे की जगह पे, ये इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते थे, तो dy by dx लिख सकते थे, लिख सकते थे। तो ये पूरा हमारा क्या हुआ भाई, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन ये पूरा क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोले तो ये क्या चीज है, तो ये है, ये है, मैं इसको हटा दे रहा हूं, इसको कहते हैं, अब यहां देखिए, यहां पे आपने एक बार वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, और यहां दोबारा आपने y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, जो वैल्यू आई, जो डेरिवेटिव आया, उसको वापस फिर से मतलब x के रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया, तो इसको क्या कहेंगे, हमने दो बार डिफरेंशिएट किया है y को x के रेस्पेक्ट में, यानी कहेंगे कि दिस इज सेकंड डेरिवेटिव, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है बात ना, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी फिर से एक बार ऐसा ही काम करना है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, ध्यान दीजिए एक बार और मैं आपको बताऊंगा, पहले वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करिए फटाफट, है ना, फिर मैं आपको एक बार और बताता हूं। सुनिएगा, अब क्या है, एक बार फिर से मैं बता कि हमें ये डिसाइड करना है, ये तो हमें पता है कि y जहां कहीं भी मैक्सिमम या मिनिमम होगा वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू y एक्स ग्राफ क्या होगा, जीरो होगा, यानी dy by dx उस x पे क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे हमने ग्राफ ऐसा बना दिया जानबूझ के, तो ये तो दिख रहा है कि x is equal to x1 पर y की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, देखो x is equal to x1 पर y का वैल्यू क्या है, अपने आसपास वालों से ज्यादा है, यानी मैक्सिमम है, बोले तो लोकल मैक्सिमम है, ये सब पिछली क्लास में बताया गया था, लोकल मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, हम लोग बात लोकल मैक्सिमम की ही करते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम की हमको जरूरत नहीं है। तो अब देखिए x1 पे टेंजेंट का स्लोप क्या है, जीरो है, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप बोले तो dy by dx क्या है, जीरो है, x1 के जस्ट पहले एक टेंजेंट खींचा उसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि आगे वाला एंगल एक्यूट है, tan ऑफ एक्यूट एंगल पॉजिटिव होता है, x1 के जस्ट बाद में जो x है वहां पे इस ग्राफ पे टेंजेंट खींचा तो उसका स्लोप क्या है, dy by dx तो नेगेटिव है। अब हम x = x1 पे टेंजेंट का स्लोप बोले तो dy by dx लिख दिया, जीरो है। अब x = x1 के इर्द गिर्द यानी आसपास लगभग में बाय एंड लार्ज हम कह सकते हैं कि x = x1 पर d of dy by dx upon dx, बोले तो ये सब देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ है, ये जो घेरा लगाया है this is d of dy by dx, बोले तो small change in instantaneous rate of change of y with respect to x, बोले तो small change in dy by dx upon small change in x, तो क्या कहेंगे, स्मॉल चेंज इन dy by dx दैट इज स्मॉल चेंज इन स्लोप ऑफ टेंजेंट टू y x ग्राफ और अपॉन स्मॉल चेंज इन x, बोले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू y x ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू x या रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या है। तो जब चेंज निकालते हैं स्मॉल चेंज इन स्लोप ऑफ टेंजेंट टू y x ग्राफ तो हमको फाइनल मान सिंसल करना है, तो x equal to x1 के बाद वाला जो tangent खींचा है उसका slope क्या है, negative, तो final slope minus initial slope,
और x equal to x1 के पहले जो tangent खींचा था उसका slope क्या था? Positive था। तो final slope बोले तो negative, initial slope बोले तो positive। तो initial minus positive upon positive, क्योंकि dx तो हमेशा ही positive रखना, हमको इधर जाना है left से right, तो यहाँ से हम यहाँ हैं। final slope ये होगा जो कि negative, initial slope ये होगा जो कि positive है, तो negative minus positive और upon dx बोले तो small change x बोले this x minus this x that is positive। तो क्या हुआ? Negative upon तो negative minus positive negative, negative upon positive क्या हुआ? Negative। इसका मतलब कि ये value यानी at x equal to x1 d of dy by dx upon dx is equal to क्या आ गया? Negative आ गया। अब इसको हम और कैसे लिखते हैं? तो d of dy by dx upon dx is also written as dy dx of dy by dx, वही चीज same। देखो हम क्या लिखा करते थे, dy upon dx को हम कैसे लिखते थे, d upon dx of y, वही काम किया है। ये एक वेरिएबल मान लो, dy by dx भी एक वेरिएबल है, तो उसको हम अलग कर दिए, dy dx of dy by dx। और इसको और कैसे लिखते हैं, ज्यादा करके ऐसे ही लिखा जाएगा, तो d d मिला के लिखते हैं, d2y ये दो बार आया d, तो d2y और dx, dx क्या हुआ, dx का होल स्क्वायर, तो dx square लिखते हैं, तो इसको pronounce करते हैं d2y by dx square, d2y by dx square। अब ये क्या बना जा रहा होता है, तो instantaneous rate of change of this, what is this variable? That is itself instantaneous rate of change of y with respect to x and again with respect to x, यानी हमने x के respect में दो बार differentiate किया है, एक बार y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है और फिर दूसरी बार हमने उस डेरिवेटिव को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो इसको हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आपको ये पता लग गया कि जहां कहीं भी हमारा y मैक्सिमम होगा उस x पर dy by dx जीरो होगा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जीरो होगा और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, याद रखने का भी मैं तरीका बताऊंगा, जिनको ये बात समझ में आ जाए बहुत ब्रिलियंट तरीके से, तो वो फिर जो है सवालों को हैंडल कर पाएंगे। जिनको अगर मान लो कोई वो जो कम ध्यान देंगे उनको स्वाभाविक रूप से इसको समझने में कठिनाई होगी, वो सोच ही नहीं रहे होंगे तो कठिनाई होगी, लेकिन उनके लिए भी मैं तरीका बताऊंगा याद कैसे रखना है रिजल्ट को, उसका भी ब्रिलियंट तरीका हम लोग जानेंगे। लेकिन मेरी सलाह है, सजेशन है कि एकदम सिंपल बात है, सिंपलेस्ट बात है और आप इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इसको फिर एक बार और रिपीट करने जा रहे हैं, यही सेम चीज सेम मेथड किसके लिए, वाई की मिनिमम वैल्यू के लिए। तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमको समझ में आ गया कि डी वाई बाई डी एक्स तो जीरो होगा ही, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, निगेटिव, जहां पे y क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, जो कुछ भी आपको और एक्स्ट्रा नोट करना है जो पहले आपने किया है वीडियो पॉज करके। तो देखिए यहां पे at x equal to x1 y has its maximum value, जहां मैक्सिमम है उसके लिए हमको क्या मिला, कंडीशन क्या मिला कि where y is maximum, where y is maximum, और ये given है कि y क्या है, function of x है। तो for y as function of x, where y is maximum, dy by dx क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। where का मतलब क्या है, at any x where y is maximum, dy by dx क्या होगा, जीरो होगा। and d2y by dx square यानी second derivative of y with respect to x क्या होगा, that must be what, negative। तो जिस x पर y मैक्सिमम होगा उस x पर dy by dx जीरो होगा और सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y यानी d2y by dx square क्या होगा, निगेटिव होगा।
ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसको बाद में हम लोग इस कंक्लूजन को एक बार और लिखेंगे जब मिनिमा की कंडीशन जान जाएंगे, तो एक बार और इसको हम लोग रिपीट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए। मैक्सिमा की कंडीशन हुई कि जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं का मतलब क्या है, जिस भी एक्स पर वाई मैक्सिमम होगा वहाँ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए नोट करिए। अब आइए हम लोग मिनिमा की कंडीशन जानेंगे। तो ये y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, और अब हम ग्राफ बना रहे हैं ऐसा जिसमें कि आप देख रहे हैं इस x पर से कॉल इट x2, इस x2 पर देखिए y क्या है, मिनिमम है, और ये हमारा टेंजेंट हुआ। तो आप देख रहे हैं कि इस टेंजेंट का स्लोप बोले तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, जीरो है। यानी हियर एट एक्स इज इक्वल टू एक्स टू डी वाई बाई डी एक्स इज वॉट, जीरो। ऑल्सो नियर एक्स इज इक्वल टू एक्स टू या हाँ ऑल्सो नियर एक्स या एट एक्स इज इक्वल टू एक्स टू, आइए फिर वही कंडीशन एनालाइज करते हैं कि डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स ये क्या है। मुझे नहीं लगता कि अब फिर इसको एलाबोरेट करने की जरूरत है। ओरली सुन लीजिए, व्हाट इज दिस स्मॉल ऊपर वाला न्यूमरेटर, स्मॉल चेंज इन डी वाई बाई डी एक्स अपॉन स्मॉल चेंज इन एक्स, बोले तो क्या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दो बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा, एक बार इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और एक बार इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बहादुरों, एक्स इज इक्वल टू एक्स टू के जस्ट पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये टेंजेंट देखिए, देख रहे हैं। अब ये टेंजेंट का स्लोप बोले तो ये वाले एंगल का टेन, बोले तो इस एंगल का टेन, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। अब x इज इक्वल टू एक्स टू के जस्ट बाद में एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो ये टेंजेंट ड्रॉ करिए। अब इसका स्लोप बोले तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, यानी इस एंगल का टेन, टेन ऑफ आगे वाला एंगल, तो इस एंगल का टेन बोले तो एक्यूट एंगल का टेन, यानी ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फाइनल कौन सा टेंजेंट हुआ, फाइनल तो ये वाला हुआ ना, क्या इसलिए कि मैंने ये बाद में ड्रॉ किया है, बिल्कुल नहीं, इसलिए क्योंकि ये जो टेंजेंट है वो बाद वाले एक्स पर है, मैंने कब ड्रॉ किया उससे नहीं फर्क पड़ता। कौन सा बाद वाले एक्स पर है, तो बाद में कौन सा एक्स आया, यानी फाइनल एक्स कौन सा, दिस इज फाइनल एक्स एंड दिस इज इनिशियल एक्स, दिस इज फाइनल एक्स एंड दिस इज इनिशियल एक्स, ये है फाइनल एक्स एंड दिस इज इनिशियल एक्स। तो फाइनल स्लोप क्या हुआ, दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि यहां स्मॉल चेंज इन स्लोप बताना है, तो फाइनल स्लोप हमारा क्या है भाई, पॉजिटिव है, और माइनस इनिशियल, कोई भी चेंज निकालते फाइनल से इनिशियल करते हैं, तो फाइनल स्लोप इज पॉजिटिव, इनिशियल स्लोप इज निगेटिव, तो पॉजिटिव माइनस निगेटिव अपॉन फाइनल एक्स माइनस इनिशियल, दिस एक्स माइनस दिस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो पॉजिटिव। अब बताइए ये क्या आ गया हमारा भाई, क्या आया ये, पॉजिटिव माइनस निगेटिव इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज अगेन पॉजिटिव, सो फाइनली आपको क्या मिला, दस हियर एट
एक्स इज इक्वल टू एक्स टू डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स दैट इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज वॉट पॉजिटिव। ये क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ बहादुरों। यानी आपने देखा जहां पर y मिनिमम है उस x पर भी dy by dx तो जीरो होगा ही, टेंजेंट का स्लोप तो जीरो होगा ही, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा बहादुरों। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि ऐसे दो टेंजेंट ड्रॉ करिए, एक x2 के जस्ट बाद, एक x2 के जस्ट पहले, क्योंकि ऐसे आना है ग्राफ को। तो स्लोप देखिए, जो ऐसे था पहले टेंजेंट हमारा ऐसे था, वो टेंजेंट ऐसे हो गया, तो स्लोप जो देखो ऐसे होते जा रहा है ना, ऐसे, तो जो टेंजेंट ऐसे था वो ऐसे हो गया, जस्ट पहले टेंजेंट ऐसा था, जस्ट बाद में टेंजेंट ऐसा हो गया। और ये ग्राफ कहीं पे भी बनाइए, जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाए, आप यहां बनाइए, आप यहां बनाइए, आप यहां बनाइए, यहां पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडीशन पे वही आना है, टेंजेंट पहले टेंजेंट ऐसे रहेगा, बाद में टेंजेंट ऐसा हो जाएगा, प्रोवाइडेड y इज दिस एंड x इज दिस। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू वाई एक्स ग्राफ इज चेंजिंग फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव स्लोप, सो स्मॉल चेंज इन स्लोप इज पॉजिटिव माइनस निगेटिव दैट इज पॉजिटिव। तो अब जो है आप फटाफट इसको नोट करिए, अब देखिए जैसे मैक्सिमा की कंडीशन मैंने लिखी थी लास्ट में एक बार, वैसे ही मिनिमा की लिखते हैं। तो एट एनी एक्स, यानी फॉर वाई एज फंक्शन ऑफ एक्स, एट एनी एक्स वेयर वाई इज मिनिमम, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज वॉट पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। तो आप फटाफट ये कंडीशन भी नोट कर लीजिए, ये किसकी कंडीशन हुई? मिनिमा की। तो क्या डिफरेंस है मैक्सिमा और मिनिमा में? कि मैक्सिमा में सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा? निगेटिव होगा, और मिनिमा में सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। याद कैसे इसको रख पाएंगे आप? समझ में तो बहुत अच्छी तरह से आ गया, याद किस तरह से आप रख पाएंगे और क्या चीज याद रखना है वो आइए अब जान लेते हैं। अब बहादुरों आइए जानते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए वाई, इफ वाई सम फंक्शन ऑफ एक्स, y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए हमको कौन से कंक्लूजन याद रखने हैं और किस तरह से हम उसको याद रख पाएंगे, उसके लिए हम एक ट्रिक भी जानेंगे। तो देखिए, इफ y इज सम फंक्शन ऑफ x, या यूं कहें कि फॉर y एज फंक्शन ऑफ x, इफ दिस फंक्शन इज गिवन, देन कि देन एट एनी एक्स वेयर y इज मैक्सिमम और मिनिमम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। ये तो होना ही होना है। फिर याद दिला रहा हूं पिछले क्लास की बात, कि यदि डी वाई बाई डी एक्स जीरो है किसी एक्स पे, तो जरूरी नहीं कि वाई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन करे उस एक्स पे, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, लेकिन यदि वाई मैक्सिमम मिनिमम है तो डी वाई बाई डी एक्स तो जीरो होगा ही। ऑल्सो
एट दैट एक्स, एट दैट या दोज एक्स, एक से ज्यादा वैल्यूज पे भी हो सकता है ऐसा, एक्स की एक से ज्यादा वैल्यूज पे भी वाई की मैक्सिमम वैल्यूज हो सकती हैं, यहां भी होगा, यहां भी होगा, इस एक्स पे भी वाई मैक्सिमम है, इस एक्स पे भी वाई मैक्सिमम है। आपको बताया गया है कि ये सब लोकल मैक्सिमा की बात हो रही है, एब्सोल्यूट माने फॉर द डोमेन ऑफ एक्स, यानी जहां से जहां तक एक्स हो सकता है उन सारे एक्स में सबसे मैक्सिमम कौन होगा, लेना ऐसी हमको जरूरत नहीं पड़ती फिजिक्स में। तो एट दैट या दोज एक्स वेयर वाई इज मैक्सिमम, वाई इज मैक्सिमम, बहादुरों डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज निगेटिव। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा इसको आप, एक फाइनल कंक्लूजन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैंने अभी कहा था आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि याद कैसे रख पाएंगे आप, तो वो देख लीजिए भाई, समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना भी समझ में आ जाए कंक्लूजन तो याद रखना ही पड़ेगा, डेराइव तो करेंगे नहीं जैसे हमने अभी किया, वैसे तो आप डेरिवेशन तो करेंगे नहीं बैठ के, किसी को समझाना तो है नहीं, आपको तो सीधा रिजल्ट यूज करना है, तो रिजल्ट तो याद होना ही चाहिए। तो एट दैट या दोज एक्स वेयर वाई इज मैक्सिमम, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज निगेटिव। और बहादुर एक बात बताओ, जहां मैक्सिमम होता है वाई, वहां ग्राफ कैसा बनता है, ये वाई है तुम्हारा और ये क्या है एक्स है, तो जहां भी मैक्सिमम हो चाहे फर्स्ट में बनाए, सेकंड में बनाए, थर्ड में बनाए, फोर्थ में बनाए, कहीं किसी भी क्वाड्रेंट में बनाए, या आधा सेकंड में बनाए, आधा जो है फर्स्ट में बनाए, कैसे भी बनाए ग्राफ, मान लो हो सकता है हम ग्राफ ऐसे बनाए, क्या फर्क पड़ता है, पोजिशन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता कंडीशन पे, लेकिन वाई यदि वर्टिकली अप है, एक्स हॉरिजॉन्टल है, राइट साइड में पॉजिटिव है, तो हम कैसा ग्राफ बनाएंगे भाई, ऐसे मैक्सिमम जहां पे होगा वहां पे कैसे बनाएंगे हम, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, मैक्सिमम होगा वहां कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, बनाएंगे ऐसे, ऊपर जाके नीचे आएगा, तो यहां पे वाई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब याद कैसे रखना जरा देखना, इसको हम एक काम करते हैं, एक बड़ा सा सर्कल बनाओ, ठीक है, एक सर्कल बनाओ और ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ। अब बताओ कि ये वाला ग्राफ, ये वाला जो मेरा ग्राफ हुआ ना, ये वाई एक्स ग्राफ है, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। अब बताओ ये क्या कर रहा है, ये डायग्राम देख के बताओ ये क्या कर रहा है, तो मुझे तो लग रहा है कि ये रो रहा है, मुंह लटकाए हुए रो रहा है, रो रहा है, ये रो रहा है बोले तो क्राइंग, तो वाई एक्स ग्राफ कैसा हो गया, क्राइंग टाइप हो गया, रो रहा है ये, और रो इसलिए रहा है क्योंकि इसका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, निगेटिव। देखो डी वाई बाई डी एक्स पे नहीं ये ट्रिक है, डी वाई बाई डी एक्स तो जीरो होगा ही, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, बोले तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, मैक्सिमा मिनिमा मैंने पिछली क्लास में बताया था, मैक्सिमम का प्लूरल मैक्सिमा होता है, मिनिमम का प्लूरल मिनिमा होता है। तो एक से ज्यादा एक्स पे यदि वाई मैक्सिमम है तो भी वही कंडीशन है, हर एक्स पे जहां कहीं भी वाई मैक्सिमम है वही कंडीशन है कि डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव होगा, इसीलिए मैक्सिमा शब्द नाम लिया गया, दिया गया कि जहां कहीं भी वाई मैक्सिमम है, यानी ढेर सारी जगहों मैक्सिमम है, तो कहेंगे फॉर ऑल मैक्सिमा ऑफ वाई, डी वाई बाई डी एक्स जीरो होना ही है, चाहे मैक्सिमम और मिनिमम, तो लिख दिया ऊपर कि वाई इज मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए यह है। लेकिन जहां वाई मैक्सिमम है वहां पे ग्राफ तो ऐसा बनेगा, और ऐसा बनेगा मतलब रोएगा, और रो इसलिए रहा है बिकॉज क्राइंग, बिकॉज क्यों रो रहा है बहादुरों, क्योंकि इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो क्या है, निगेटिव है, इसलिए रो रहा है। और अब देखना, ऑल्सो फिर से लिख रहा हूं, ऑल्सो एट दैट या दोज एक्स
वेयर वाई इज मिनिमम, वाई इज मिनिमम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा। आपने देखा खूब अच्छे से। और इसके लिए ट्रिक जरा देखते हैं, तो देखिए भाई आपको मजा आ जाएगा। ये वाई और एक्स इसी के करेस्पॉन्डिंग हम बना रहे हैं, तो ये बताओ बहादुरों, फिर ये फेस बनाया, ऐसे बनाया, मिनिमम होगा तो ऐसा होगा, मिनिमम होगा तो वहां ग्राफ क्या होगा, नीचे जाके ऊपर जाएगा, नहीं यहां पे देखो मिनिमम हो गया, ये वाई एक्स ग्राफ हो गया। और ये देखो बहादुरों, ये क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है, ये क्या हो गया, कैसा ग्राफ हो गया, स्माइलिंग, स्माइलिंग कर्व हो गया। क्यों स्माइल कर रहा है ये, इसलिए स्माइल कर रहा है क्योंकि इसका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है। बहादुरों, जो किसी के पास अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो खुश रहेगा, पॉजिटिव है, और निगेटिव है तो रो रहा है। तो याद रखने के लिए सिर्फ ये बताया जा रहा है, दिस इज यू हैव टू अप्लाई दिस सिंपली एज अ ट्रिक, कि भाई ये रो रहा है क्योंकि इसका सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव है, रो रहा है, निगेटिव आ गया तो रो रहा है, और पॉजिटिव आ गया तो हंस रहा है, ये स्माइल कर रहा है, कभी नहीं भूलेगा, जिंदगी में नहीं भूलेगा, कभी भी हंसता हुआ चेहरा बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे, रोता हुआ ये चाहे तो बनाओ या मत बनाओ, ये नोज है, नाक है, बनाओ या मत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं बनाओगे तो भी समझ में आ रहा है, मत बनाओ, क्यों कंफ्यूज होना झूठ में। तो रो रहा है, छोटा सा बना दो, लो ये लो, तो ये रो रहा है क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव क्या है, डी टू वाई बाई डी, देखो डी वाई, अब मान लो रो रहा है तो सर डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव हुआ क्योंकि रो रहा है डी वाई बाई डी एक्स, अरे भाई याद कर लो, रट लो कि डी वाई बाई डी एक्स पे तो रोने हंसने की बात ही नहीं है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स तो दोनों जगह जीरो होगा, जहां वाई मैक्सिमम होगा वहां भी डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा, ये तो पिछली क्लास में पूरी क्लास इसी पे हुई थी, कि वेयर एवर वाई इज मैक्सिमम और मिनिमम स्लोप ऑफ टेंजेंट टू वाई एक्स ग्राफ दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज वॉट जीरो। आज ये बात हो रही है कि जहां पे वाई मैक्सिमम होगा वहां पे सेकेंड डेरिएटिव बोले तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव होगा, और जहां मैक्सिमम होगा ग्राफ ऐसा बनेगा, मैक्सिमम होगा ग्राफ ऐसा बनेगा। तो देखो रो रहा है, रो रहा है, जैसे ही तुम्हारे दिमाग, अरे रो रहा है, बोले तो निगेटिव होगा क्या, सेकेंड डेरिएटिव, क्योंकि रोना हंसना किसके लिए, सेकेंड डेरिवेटिव के लिए। तो जीवन भर नहीं भूलेगा आपको, फटाफट इसको नोट करिए और खुद जानिए, और अपने दोस्त मित्र जो ये क्लास दुर्भाग्य से नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, अगर आपके संपर्क में हैं तो उनको सिखाइए, वो आपको थैंक यू बोलेंगे, आप इसको बहुत अच्छे से सीखिए, है ना। और अभी हम लोग क्वेश्चंस में इसकी भरपूर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, फटाफट आप इसको नोट करिए। तो बहादुरों, आज हम लोगों ने जाना कि किस एक्स पे वाई मैक्सिमम होगा और किस एक्स पे वाई मिनिमम होगा, यदि कहीं वाई मैक्सिमम मिनिमम है तो। हमने जाना कि वेयर एवर, यानी जहां कहीं भी वाई मैक्सिमम या मिनिमम होगा वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू वाई एक्स ग्राफ यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा। जहां वाई मैक्सिमम होगा वहां पे वाई एक्स ग्राफ क्राइंग होगा, और क्राइंग होगा तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, निगेटिव होगा। जहां वाई मिनिमम होगा वहां ऐसा ग्राफ बनेगा यानी स्माइलिंग ग्राफ बनेगा, चेहरा ऐसे हंसता हुआ ऐसा बनेगा, और जहां हंसता हुआ बनेगा बोले तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जहां पे मैक्सिमम होगा वहां रोता हुआ बनेगा, मुंह लटका रहेगा, बोले तो वहां पे सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमा मिनिमा पे बेहतरीन 4-5 अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, एंड दैट इज लास्ट चैप्टर ऑफ बेसिक मैथ्स। इट विल हार्डली टेक 2-3 क्लासेस विथ इंटीग्रेशन, दैट इज द लास्ट चैप्टर इज इंटीग्रेशन। तो हम क्या पढ़ेंगे अगली क्लास में, इंटीग्रेशन, आफ्टर डूइंग 4-5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा।
जो भी थियोरी बताई गई पिछली क्लास में, एक क्वेश्चन भी किया था लास्ट में आपने, तो पिछली क्लास में जो बताई गई थियोरी और आज की क्लास में जो थियोरी बताई गई, ये दोनों बहुत अच्छे से तैयार करके आप अगली क्लास अटेंड करें, तो उसमें आपको 4-5 बेहतरीन क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, एंड देन हम लोग जो है चैप्टर शुरू करेंगे अपना, क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन, एंड दिस इज लास्ट चैप्टर ऑफ बेसिक मैथ्स, एंड देन मोस्ट अवेटेड हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं विथ मैकेनिक्स, दैट इज द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 11th। मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर इज काइनेमेटिक्स, लेकिन उससे पहले इंटीग्रेशन, एंड नेक्स्ट क्लास में इसको हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग 4-5 बेहतरीन क्वेश्चंस मैक्सिमम मिनिमा के करेंगे। आई होप कि आप, आई बिलीव कि आप आज की क्लास बहुत एंजॉय किए होंगे, और पिछली क्लास में बताई गई बात और आज की क्लास में बताई गई बात यदि कम्प्लीटली ध्यान रहती है आपको, तो मैक्सिमम मिनिमा आपके लिए बहुत आसान हो चुका है, और अगली क्लास में आप इसको फील भी करेंगे जब मेरे साथ आप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।